सवेरे सवेरे इंतजार करना पड़े है, पता तनखा तो ड्यूटी टाइम पे ना आवे। भाई मैं तो दुखी हो लिया, हे भगवान तुली संभाल, अभी ये गल्ला भी मन संभालना पड़ेगा। जय जिनेंद्र सेठ जी, के बात होगी भाई, कहाँ रह गया था? अरे सेठ जी, मंदिर के दर्शन करने गया था। ए धर्म ध्यान छोड़ दे, कल कौन संभालेगा, ये बता दे, बैठ जा। अच्छा अच्छा आप कहाँ चल गया? सेठ जी नगर में आए हैं, मुनीम जी सेठानी जी ने कहा है उनके आहार और रहने की व्यवस्था कर दियो, वो करने जा रहा हूँ। बैठ जा, तेरी सेठानी है तो मैं देखूंगा। और यो तू मेरा मुनीम है कि सेठानी का मुनीम है? बैठ जा, पता नहीं मने लुटवा के छोटेगी, जितना कमाऊ सारा लुटा के आया है। धर्म ध्यान में बता, ऐसी सेठानी है भगवान, मैं तो बहुत परेशान हो गया, क्या करूँ भाई, बता तो कोई रास्ता सूझे ना, मना भी ना कर सकूं, करूं तो बहुत लटे है, क्या करूं मैं। ये बात है सेठ जी, तो बड़े गुस्से में लादो है, कोई से झगड़ा करके आए हो? मैं झगड़ा ही भी तो ना हुआ ये होवेगा, के बात है, बड़े घर की बेटी होगी तो अपने लिए होगी, मारा सारा धन दान में तू लुटान लग रही है, बता सारा ठेका तन्ने ले रखा अपनी महाराज के, रहने का खाने का सब तू ही करेगी के? कैसी बातें करते हो जी, जैनी हो के आप धर्म ना करो, मंदिर ना जाओ, अभी भी वक्त है, मंदिर जाया करो, देव दर्शन करा करो। यो जो अपने उपदेश है ना अपने पास ही रख ले, मने देने की जरूरत ना है। और बैठ जा तू घर में, रोटी पो, सामने आऊंगा तो बढ़िया सा खाना खुआ, बैठ जा। हे भगवान तो मेरे पति को सदबुद्धि दे, हे भगवान। ये महान ऊपर से छेड़ो। अरे आभा क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ बहन, ये बता। मैं तो बाहर वाले चौक में मोदी महाराज का तमाशा लगा हुआ है, उनके दर्शन करने जा रही हूँ, तू भी मेरे साथ चलना। ना मैं ना जा रही, मेरा जी ठीक है। पर तेरे जी को हुआ क्या? तू तो ऐसी बात कभी भी नहीं करती, बता क्या बात हो गई? मैं क्या करूँ, जब भी मैं सेठ जी से कहूँगी तभी मैं क्या करूँ, बता। देख ये तो की बात है, क्या करा जा सकता है, मुझे भी नहीं आती है। अरे गुणवंती तो मैं जिनके साथ में देखे है वो क्या तुझे लेके जा रहे हैं, तेरा मंदिर जाना रह जाएगा, चल रहा है तो मेरे साथ ही चल, चल मैं भी जा रही, तेरे चक्कर में मुझे भी देर हो जाएगी, मेरा भी दर्शन रह जाएंगे, तेरी मर्जी है। ना मेरे को सेठ जी के संग जाऊंगे। हे भगवान मन्ने भूख लग रही, गुणवंती ने पता नहीं क्या बनाया होगा। गुणवंती हाँ जी, खाना वाना खोया कि नहीं? मुझे भूख लग रही है, अभी ला रही हूँ। देखो भाई पूरे दिन से धर्म ध्यान से छुट्टी ना मिले, ला जल्दी लेके आ। के बनाया भाई तने? तने तो खीर पूरी बना ली भाई, के बात होगी, आज तो बड़ा बदला खाना मिल रहा है, लौंगी भी बनाए देखे। हे गुणवंती, ये लौंगी तो हमारी माँ बनाया करे थी, वैसे ही स्वाद आ रहा है। हाँ 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 भाई वाह भाई, आज तो जो तू कहेगी वही होगा, बोल। तने मेला घुमा लाओ सामने, छोड़ोगे, ये कोई उम्र है मेला जाने की? क्या उम्र होगी तेरी, ऐसे ना बोला करें। है बता के कहूँ, जो तने रानी हार बनवा दूँ, तने कंगन गढ़वा दूँ, बोल तो सही। या भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है। अरे वो तो है, फिर भी अपने दिल की बात रख, जो कहेगी वही होगा। अच्छा ऐसी बात है तो वचन दो आप, जो मैं कहूँगी वही करोगे आप? चल तने वचन दिया, जो कहेगी वही होगा। अच्छा मुनि शंख आया हुआ है, हमको महाराज जी के दर्शन करवा लो, कल चलते हैं। कह तो थोड़ा मुश्किल सी बात रही है, पर मैंने वचन दे दिया, आपको दे दिया, चल ठीक है, ऐसा करेंगे कल तड़के तैयार हो लियो, और भाई बहुत बढ़िया भोजन खिलाया तने, ठीक है, सवेरे तड़के चलेंगे मंदिर जी, ठीक है। हे बाबू आपकी कृपा। चल भाई चल, तैयारी कर ली? हाँ जी।
नमस्तु नमस्तु नमस्तु। राम की पति कैसे होगी महाराज, ये तो मंदिर जाते ही नहीं है, मंदिर जाने के नाम से ही बड़े उठते हैं। क्यों भाई से तुम धर्म ज्ञान किया करो, सुबह का भोजन खाया करो। महाराज जी के बताओ टाइम ही ना मिले अपना गल्ला संभालने में, व्यापार संभालने में टाइम ना मिले महाराज जी, यही झूठना कोई और कुछ नहीं तो यही बात के दर्शन ही कर दिया करो। वो तो सारी बात सही है महाराज जी, पर क्या बताऊँ टाइम ना मिले बिल्कुल भी। अच्छा तो कोई एक नियम ही ले लो, अगर तुमने जीवन में एक छोटी सी प्रतिज्ञा, एक छोटा सा शुभ संकल्प, अनुग्रह की एक छोटी सी साधना भी प्राप्त करना हो तो तुम्हारा जीवन क्या हुआ, ये तो पशु से भी क्या गुजरा हो गया। एक छोटा सा नियम से बहुत फायदे होते हैं। बहुत सरल सा नियम बताता हूँ, रोज किसी एक वस्तु या व्यक्ति को देखे बिना तुम भोजन नहीं ग्रहण करोगे। ये तो सरल सा नियम है, ये तो आप निभाई दोगे। क्यों गणवंशी के कह रहे ठीक लग रहा है, ये तो सही लग रहा है भाई, क्या कहो तुम भी ले लो नियम। अच्छा बोलो इसे देखकर भोजन ग्रहण करोगे। वो तो सोचने की बात है भाई। अच्छा सोचू महाराज जी अभी बताऊंगा। अच्छा महाराज जी हमारे घर के सामने एक ग्वाला रहता है, उस ग्वाले की एक गाय है, बड़ी सुंदर सी गाय है जी, आप बोलो तो उसे देखने देख के भोजन करने का नियम ले लू। हेलो जी तो यह तय हो गया कि तुम ग्वाले की गाय को देखे बिना भोजन नहीं करोगे। जाओ भगवान महावीर तुम्हारा कल्याण करो। जय हो जय हो जय गणपति जय हो महाराज। ग्वाले की गाय को देखकर भोजन करता रहा, लेकिन एक दिन ग्वाले की गाय का नाम पता वह परेशान और उसे नीचे जंगल में आ आइए हम आगे देखते हैं। फंसा दियो तेरे को, नियम के चक्कर में रोटी भी ना खा सकूं बता। हे भगवान क्या होगा हमारा, भूख के मारे हमारी जान निकली जा रही है। गुणवंती सुनी महाराज के दर्शन करा दिए, एक दो रोटी खिला के मीठी मीठी, और देखो रोटी सूखी रोटी भी ना खिला खा पाऊंगा। हे भगवान अब तो दिखा यो पेड़ दिख रहा, यहाँ बैठ जाऊँ आराम कर लूंगा थोड़ी देर है। अच्छा वे, अरे ये क्या मने तो लगे है यहाँ पे कुछ दिख गया है, यो गाय तो ना है। माइक 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 ओ गाय दिख रही है तो ओ हो, अरे योरी गाय देख लिया देख लिया देख लिया। अरे अरे देख लीजिए आप अपना हिस्सा ले लीजिए। अरे मिल गया रे मिल गया मिल गई, अब तो रोटी खा सकूंगा। ओ ये क्या है भाई, ये क्यों देने लग रहा है मुझे, अरे ये क्या हो गया। अरे मैंने गाय को देख लिया और वो सोच रहा है कि लगा है मेरे जेवर देख लिए, इसलिए वो दोनों छोड़ के भाग गया। तो ये वो आप ही लग लो, मुझे कुछ भी चाहिए। अरे भगवान हरे भगवान जय धर्म की जय हो, अरे मुनि महाराज की जय हो। हो गया एक छोटा सा नियम लिया था मैंने तो, कि गाय को देख के रोटी खाऊंगा बता, और उसका इतना बड़ा प्रताप मैंने तो धन धान्य से अपरंपार कर दिया। भगवान ने तारी लीला महान है, अपरंपार है भगवान जी, मैं तो आपसे बस एक ही काम करूंगा, जैन धर्म को प्रचार प्रसार करूंगो, बस वही हमारा नियम है भाई। जैन धर्म के नियम का कितना महत्व है यह आपने देख लिया है, जिनेंद्र देव की महिमा अपरंपार है। मिलता है सच्चा प्यार।